एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर वाई जेड एंड जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें बतानी है वो इक्वल टू दिस है। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट को फिर से कंसिडरेशन में लूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ हमारे कहते हैं रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास में रो वन होगी लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी रो वन, इस रो वन को मैं क्या लिखूंगा, मैं रो वन को मैं लिखूंगा रो वन माइनस रो थ्री। नाउ सिमिलरली रो टू को मैं क्या लिखूंगा, रो टू को मैं लिखूंगा रो टू माइनस रो थ्री। तो अब अगेन अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी डिटर्मिनेंट को दोबारा लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, सी या जाएगा एक्स माइनस जेड, क्योंकि रो थ्री में क्या है जेड, तो एक्स माइनस जेड। फिर क्या आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई। और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर आएगा एक्स जेड माइनस क्या जाएगा हमारे पास में एक्स वाई। ओके, और थर्ड रो हमारी ऐसी रहेगी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। नाउ इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो फैक्टर्स करूं अगर मैं इन हमारी क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट में, तो क्या आएगा ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, फिर वाई जेड माइनस एक्स वाई क्या जाएगा, अगर मैं यहाँ से वाई कॉमन लूंगा तो आ जाएगा जेड माइनस एक्स, और माइनस वाई अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में वो आ जाएगा एक्स माइनस जेड के इक्वल। फिर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में क्या वाई माइनस जेड, फिर आ गया इंटू में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से भी इसकी फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, एंड देन क्या होगा हमारे पास में, देन यहाँ से क्या जाएगा अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा तो, या माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास में, यहाँ से भी आ जाएगा वाई माइनस जेड। ओके नाउ, और थर्ड हमारी क्या है रो ऐसी आ जाएगी जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब देखेंगे हम, अगर फर्स्ट रो में देखूं तो यहाँ पे भी एक्स माइनस जेड है, यहाँ भी एक्स माइनस जेड है, और यहाँ भी एक्स माइनस जेड है, तो क्या कर सकता हूँ मैं फर्स्ट रो में से एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकता हूँ। सेकेंड रो देखूंगा तो यहाँ भी वाई माइनस जेड, यहाँ भी वाई माइनस जेड, और यहाँ भी वाई माइनस जेड, तो यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो से मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या, अगर मैं x माइनस जेड कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा ओनली वन, यहाँ क्या बचेगा ओनली x प्लस जेड, और यहाँ बचेगा ओनली माइनस y। सिमिलरली यहाँ से मैंने y माइनस जेड कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा ओनली वन, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में ओनली माइनस ऑफ वॉट, माइनस ऑफ x बचेगा मेरे पास में, और यहाँ नीचे क्या बचेगा अभी भी स्टिल जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ओके, और ये पूरी डिटर्मिनेंट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा अगर मैं देखूँ ध्यान से इधर, तो हमने क्या क्या कॉमन ले लिया है, एक्स माइनस जेड कॉमन ले लिया है और वाई माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया है। अब मैं फिर से इसमें रो ऑपरेशन लगाऊंगा। अब की बार मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं रो वन जो है हमारी, उस रो वन को मैं लिखूंगा रो वन माइनस रो टू। ऐसा करने का रीजन क्या होगा, सी जैसे मैं वन में से वन को सेपरेट करूंगा मेरी एक टर्म ऊपर की जीरो हो जाएगी। ओके, तो दैट्स वाई मैं इसे ऐसा कर रहा हूँ। तो हमारे पास में बाहर ऑलरेडी क्या कॉमन है, एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड मेरे पास में कॉमन है, तो आ जाएगा एक्स माइनस जेड और आ जाएगा वाई माइनस जेड, ये मेरे पास ऑलरेडी कॉमन है। और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सी वन माइनस वन हो जाएगा मेरे पास में जीरो, सी एक्स प्लस जेड में मैं जब वाई प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में ओनली आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ऐसे ही माइनस वाई में जब मैं माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी क्या जाएगा एक्स माइनस वाई। अब आगे देखते हैं बाकी सेकेंड रो क्या होगी हमारी, वैसे की वैसी आ जाएगी वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और यहाँ से क्या जाएगा जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है लास्ट में एक्स वाई। ठीक है, अब अगेन अगर मैं देखूँ यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट रो में से मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ, तो फर्स्ट रो में से मैं x माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ, जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये आ गई मेरे पास में क्या x माइनस जेड मेरे पास ऑलरेडी है, y माइनस जेड मेरे पास ऑलरेडी है, अब आ गया x माइनस वाई भी आ गया। ठीक है,
अब फिर से डिटरमिनेंट देखेंगे तो ये आ गया 0 1 1। सी जीरो में से हम कुछ भी कॉमन ले लें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो ही रहेगा। यहाँ देगा 1 y + z, फिर आ जाएगा -x, फिर आएगा z z² xy। ओके, ये आ गई हमारी वैल्यू। नाउ लेट सी, अब क्या करना पड़ेगा, इस डिटरमिनेंट को मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करता हूँ तो क्या होगा, दो चीज कर सकता हूँ अभी भी मैं। आइदर मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा करके एक और जो दूसरी टर्म है, जैसे यहाँ पे 1 है, इसको भी मैं 1 - 1 करके 0 कर दूंगा, अगर मैं C2 - C3 करूंगा तो। बट क्या होगा, उससे मेरा एक और बार ऑपरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इस डिटरमिनेंट को मैं ऐसे ही बहुत ईजीली एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मैं इसे एक्सपेंड ऐसे ही कर लेता हूँ। तो मैं इसे 1 के लिए अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है इस 1 के लिए। सबसे पहले 0 के लिए एक्सपेंड करने पर क्या रहेगा हमारे पास में, सिंपल क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। तो आ गया y - z (x - y), फिर आएगा हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन में 0 × (this is 0), फिर आएगा -1, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए कहता है -1 से ओपन करेंगे, इसे माइनस से ओपन करते हैं। तो 1 के लिए ओपन किया है तो ये रो और ये रो तो रिमूव हो गई हमारी। अब करेंगे इसे तो आएगा x (y) और माइनस में देगा x (z), तो आएगा हमारे पास में x(y). क्या कर रहा हूँ मैं, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस में आ गया x(z). ओके, और माइनस ऑफ माइनस x(z) है तो क्या देगा, प्लस में x(z) हो जाएगा मेरे पास में। फिर आएगा 1 के लिए ओपन करूंगा तो 1 के लिए क्या आएगा मेरे पास में, अब की बार आएगा z² यहाँ पे आएगा 1 के लिए, प्लस में 1 × z² माइनस z (y + z) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा yz और फिर माइनस में आ जाएगा z². ओके, तो z² से z² कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, और ये हमारे पास में वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, सी z² से z² कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या मेरे पास में, -xy - xz - yz। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, सी उस माइनस को मैं यहाँ पर आके लाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे किस फॉर्म में आंसर चाहिए, सी xy + yz + xz, ये मुझे यहाँ से मिला है ना। अब हमें जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में है, x - y, y - z और z - x की फॉर्म में। तो अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है x - y, y - z और z - x चाहिए मुझे। तो z - x के लिए क्या करता हूँ मैं, इस जो हमारा एक माइनस है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा x - z की जगह हो जाएगा z - x, और आंसर आ जाएगा x - y, y - z और z - x। सो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है।